नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी हैं असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सुरजीत, ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां इस वक्त कई घंटों से लगातार बारिश जारी है और टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट, 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त जिला का तापमान पहुँच चुका है, जो करीब 34 डिग्री तक जा पहुँचा था। तो कहीं ना कहीं बारिश के बाद मौसम में जो तब्दीली आई है, एक बार फिर सर्दी गर्मी का खेल यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपके ज़िला में क्या कुछ माहौल है, किस तरह का मौसम है, ये भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कहाँ से कौन हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी ज़रूर हमें अपडेट कीजिएगा। बहरहाल ऊना की बात करें तो इस वक्त पिछले कई घंटों से लगातार बारिश जारी है और बीच बीच में ये मध्यम या तेज़ ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी तक ये बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूर जो हालत इस वक्त ऊना के मौसम की है, वो किसानों के लिए ज़रूर चिंता का विषय, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो फसल की कटाई का सीज़न आ रहा है और ऐसी परिस्थितियों में बारिश का होना किसान भाइयों के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर ख़तरनाक है। बीच बीच में ये बारिश तेज़ हो जा रही है, बीच बीच में मध्यम हो जा रही है, लेकिन बात करें तो आधी रात के करीब ही ये बारिश यहाँ पर शुरू हो गई थी, बल्कि आधी रात से पहले ही यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो गया था। तेज़ हवाओं से मौसम बिगड़ा और उसके बाद लगातार जिस तरह से बारिश चली है, आज भी पूरा दिन यहाँ पर बारिश का अनुमान लगाया गया है कि बारिश पूरा दिन यहाँ पर हो सकती है। इसी बीच ये वेदर कंडीशंस यहाँ पर एक बार फिर सर्दी की तरफ लोगों को धकेलते हुए, आज 31 मार्च का दिन है और अप्रैल जो कि कहीं ना कहीं ऊना ज़िला में पूरी तरह गर्मी के रूप में माना जाता है महीना, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो हैं यहाँ पर गर्म कपड़ों में आपको दो पहिया वाहनों पर या फिर पैदल जिस तरह से भी आपको दिखें वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बारिश के इस मौसम के बीच कहीं ना कहीं जाम की भी स्थिति, ना सिर्फ पुराना बस अड्डा की तरफ बल्कि नया बस अड्डा की तरफ भी यहाँ पर ट्रैफिक तो पूरी तरह से रुका हुआ दिखाई देगा। तो क्या कुछ माहौल आपके यहाँ पर चल रहा है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बहरहाल रेन लवर्स के लिए ये एक अच्छा लाइव स्ट्रीम। तो ज्यादातर वाहन बाहरी राज्यों के इसमें देखे जा सकते हैं साफ तौर पर। वित्त वर्ष की क्लोजिंग आज हो रही है और इसके साथ ही बारिश का ये मौसम है। काम के लिहाज से ये मौसम काफ़ी हद तक अनुकूल, लेकिन फसलों की बात करें तो फसलों के लिहाज से ये मौसम पूरी तरह प्रतिकूल है। महज 15 दिन के बाद बैसाखी का पर्व आने वाला है। बैसाखी का पर्व जाना जाता है फसलों की कटाई के लिए, रबी फसलों का समापन यहाँ पर माना जाता है, लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों के लिए ज़रूर दिक्कत क्रिएट कर रही है। कई घंटे से लगातार जारी बारिश के बीच लगातार सड़कों पर सरपट दौड़ती जिंदगी, लेकिन ऊना की तरफ यदि आप आ रहे हैं तो ब्रेक यहां पर लगने वाली है।
लाइव टेल्स टीवी के लिए ऊना से सीनियर असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शर्मा।